बटुक रॉय चौधरी हियर। जैसा आपने कहा था, मैं अपने फैमिली में से लाया हूँ किसी बड़े को। बटुक रॉय चौधरी। तुम्हारा फैमिली मेंबर को मीट करने के लिए तो मैं कब से यहाँ वेट कर रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा फैमिली? अरे अरे आंसर मी, वेर इज ही? यही है सर। यही है? यू मीन टू से वो भी क्या इनविजिबल है क्या तुम्हारे दिमाग की तरह? तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हारे पास है पर एक्चुअल में है नहीं। आप कौन है यंग लेडी? मैं उंगलड्डू। मैं बोंदता हूँ, बोंदता रॉय चौधरी, बट्टू की बॉडी और रॉय चौधरी परिवार की बहू। और ये कुछ बादाम पड़े थे नीचे। ओ। वैसे मेरी माँ कहती है कि बादाम गिराने की चीज नहीं, खाने की चीज होती है। देखिए शिक्षक बाबू, हमारा बटुक सीधा है। हाँ, कभी कभी शरारते भी करता है, पर वैसे अच्छा बच्चा है। पढ़ाई के समय सो जाता है, पर वैसे अच्छा बच्चा है। आपको पता है, मैंने तो बटुक से दौड़ लगवानी भी शुरू कर दी है। तेजी से दौड़ने लगेगा बट्टू, तो पकड़ा नहीं जाएगा ना अगली बार। पर वैसे अच्छा बच्चा है, समझ गया मैं। पर आप नहीं समझी नल्ली, आई मीन छोटी मैडम, आप मेरी बात नहीं समझी। मैंने बट्टू को कहा था कि घर के कोई बड़े फैमिली मेंबर को लेकर ना, बड़े को। कद में थोड़ी कम हूँ, पर रिश्ते में बड़ी हूँ बटुक से। बताया ना मैंने कि बॉडी हूँ मैं इसकी। वैसे आप जानते हैं सारी हवेली कौन संभालता है? मैं। आपको पता है रसोई में खाना कौन बनाता है? मैं। और रसोई के सारे रसगुल्ले कौन खाता है? जाने दो। वैसे आपको मालूम है पूरी वर्णमाला बोल लेती हूँ मैं, थकती नहीं, विश्वास नहीं हो रहा तो सुन लीजिए। क ख ग। समझ गए मैं, पर तुम्हें पता है तुम्हारी इन बातों से कौन थक गया है? मैं। इसलिए अब थोड़ी देर चुप हो जाइए, ओके प्लीज। वैसे तो मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ शिक्षक बाबू, मेरी माँ कहती है कि मेरी ज़बानी नहीं है। वो तो मालूम पड़ रहा है। तो आप मान गए ना कि मैं बड़ी हूँ बटुक से? यस 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 यस, मान गया कि आप रिश्ते में बड़ी है। पर मुझे बटुक के फादर से मिला है, या तो उनके बड़े भाई से। जो भी हो, घर का कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। आदमी अब जाइए प्लीज। चलो बॉडी। पर आपको घर के आदमी से ही क्यों मिलना है, औरत से क्यों नहीं? विद्या की देवी सरस्वती माता है,
सरस्वती माता भी एक औरत ही है। अब आप ही बताओ, आपके घर पे खाना कौन बनाता है? जब भी आप विद्यालय आते हो तो कौन संभालता आपका घर? मेरी पत्नी। हाँ, तो जब घर और घर वालों को औरत संभाल सकती है तो घर की औरत विद्यालय क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि घर के फैसले आदमी लेते हैं। जो घर का बड़ा आदमी होता है ना, वो सब घर के फैसले लेता है और सब उनको मानते हैं और वही डिसीजन लेता है कि कब सजा मिलेगी और कब इनाम। इधर आओ। देखो, सजा तो मैं भी दे सकती हूँ और बट्टू की सारी बात मानता है मेरी, मानते हो ना बट्टू? हाँ बॉडी। तो लगाओ दो ठक बेटा, आओ। Stop! Stop! बट्टू, ये what are you doing गटेरा? I said stop means stop. मुझे ये सब नाटकबाजी नहीं चाहिए, नहीं तो छड़ी से फटके पड़ेंगे। वैसे शिक्षक बाबू, छड़ी से मारना अच्छी बात है क्या? मेरे पति बाबू ने समझाया था मुझे कि पढ़ाई छड़ी के डर से या डांटने से नहीं आती, जिससे हम डरते हैं उससे कभी अच्छे से समझ सकते हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए प्यार से बट्टू को समझा दूंगी मैं। कान पकड़े तो उठक बैठक भी लगवाई है, तो अब तो माफ कर दीजिए ना हमारे बट्टू को। अगर आप चाहते हो तो मेरे पति बाबू भी आ सकते हैं आपको समझाने, जैसे मुझे समझाया उन्होंने। बस समझ गया, माफ कर दिया बटुक को। ठीक है, अगर अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मैं आ जाऊंगी। नो, मैं खुद चलाऊंगा तुम्हारे घर। ठीक है, पर तुम यहाँ मत आना। ठीक है, आप जरूर आना, आपके लिए लुच्ची बनाऊंगी। ओ खुदा जी, ये लड़की मेरा दिमाग खा गई। बट्टू, तुम अपनी क्लास में जा। गो, आई सेड गो। और मैडम, आप भी घर जाइए, क्योंकि अभी फंक्शन है स्कूल में, तो मुझे थोड़ा उसके लिए काम करना है। ओके। थैंक गॉड कि ये लड़की है, लड़का नहीं, वरना मेरी स्कूल में आती स्टूडेंट बन के और खुद पढ़ने की बजाय मुझे पढ़ाती। नॉनसेंस चैटरबॉक्स, ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी, पूरी लाइफ में नहीं देखी। ओ, मैं क्या करूं अभी। लीजिए दादा, बहुत अच्छी साड़ी है। दादा एक बार देखिए, रंग बिरंगी साड़ी ले लो। ये साड़ी जो तू ले जाए एकदम मेम साहब बन जाए। आजा प्यारी बहन की साड़ी बन जा न्यारी। ले लो ले लो ले लो बोदी, रंग बिरंगी साड़ी ले लो, ढंग ढंग की साड़ी ले लो। ये साड़ी जो तू ले जाए एकदम मेम साहब बन जाए, पहन के साड़ी बन जा न्यारी। रंग रंग की साड़ी देखो, ढंग ढंग की साड़ी देखो। लीजिए बोदी साड़ी लीजिए। अनिरुद्ध बाबू, आपका ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। बौंदिता ने सिखाया मुझे, वरना कहाँ कपड़े बेच पाता मैं। ये क्या चित्र है? ना पेड़ है ना पहाड़ है, ना ही फूल है।
क्या ये चित्र? என்ன கொண்ட? என்ன சொல்றே? டிபன் இல்ல, ஹோம்வொர்க் இல்ல. அம்மா என்ன சொல்ற? இல்ல. ஹோம்வொர்க் இல்ல. சாப்பிட இல்ல. என்ன கொண்ட? இல்ல. நீ கொஞ்சி பாஷா में बात कर रहे? என்ன சொல்ற? நீ तो कभी नहीं सुना. இல்ல. लगता है सबको कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं अनिरुद्ध बाबू, थोड़ी देर में सारे कपड़े बिक जाएंगे। सही कहा सौरभ, लेकिन जिन्होंने ये कपड़े बनाए हैं वो कहाँ हैं? वो भी आते होंगे बाकी कपड़े लेकर। ये साड़ी जो तू ले जाए एकदम मेम साहब बन जाए। ये लीजिए, आ गए। आइए। अच्छे काम की हमेशा सराहना होती है, जानती है? सारे कपड़े हाथों हाथ बिक रहे हैं। ले लो बोदी, रंग बिरंगी साड़ी ले लो, ढंग ढंग की साड़ी ले लो। दादा सुनें ना, ये जो कपड़ा आपने लिया है जानते हैं बनाया किसने? किसने बनाया? हीरा मंडी की लड़की वाले। आपकी कमाई से बने हैं ये सारे कपड़े? देखो उन लड़कियों को। ये तो इन कपड़ों को छूना भी पाप। हाँ, पाप है। मुझे ये कपड़ा मजबूत नहीं दिखता, इस पे रंग भी टिकने वाला नहीं है, नहीं चाहिए मुझे, रखो। हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए। रुको, ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुनी। तमिल। तमिल? ये कोई नई भाषा है? किसने सिखाई तुम्हें ये भाषा? पक्षियों से भी बात कर सकते हैं क्या इससे? मैं दक्षिण प्रांत मद्रास से आया हूँ, इसलिए मेरी भाषा तमिल है और मैं तमिल में बात करता हूँ। जैसे तुम इस प्रांत की हो और बंगाल से हो और बंगाली हो, बंगाली में बोलती हो। वैसे मेरे पति बाबू भी विदेश से आए हैं, पर वो भी बंगला में बात करते हैं, इसीलिए मुझे तो लगा दुनिया में सब बंगाली होते हैं। फिर ये मद्रास, ये कौन सी जगह है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं इसका नाम। रुको, बताता हूँ। ये है मद्रास, ये है बंगाल। देखो कितने दूर है बंगाल से। और ये क्या है? पटियाला। ये? मैसूर। और ये? बॉम्बे। और वो है लाहौर। हाँ, ये हमारे देश का नक्शा है। मतलब कि हमारे देश में सिर्फ बंगाली नहीं, और भी जगह है, और भी भाषा है। हाँ, तुमको भी यहाँ से भाल नहीं गई, बहुत बड़ा है हमारा देश। चल चल, क्लास का समय हो गया है। अब समझ आया, कोई ऐसा वैसा चित्र नहीं है, मेरा देश भारत का नक्शा है। घर जाकर पति बाबू को बताऊंगी कितना बड़ा है मेरा देश और कितने सारे प्रांत हैं यहाँ और ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अभी तक तो बहुत पसंद आ रहे थे ये कपड़े,
तो अचानक मन कैसे बदल गया? कपड़ों से समस्या या फिर किसी और बात से? बादल नहीं चाहिए। तुम जबरदस्ती नहीं कपड़े नहीं बेच सकते, नहीं गलत गलत होगा। छोड़ दो उन्हें। और ये लोग जो हमारे साथ करे क्रांतिकारी बाबू, वो सही है क्या? लड़कियों पर पत्थर किसने फेंका? मैंने फेंका और फेंकेंगे अगर अपनी पाप की गठरी यहाँ से नहीं उठाई। यहाँ सम्मानित लोग आते हैं, ऐसे पापिन को ले यहाँ दुकान चलाना नहीं चलेगा। अरे पत्थर मारो इन्हें, पत्थर मारो, अरे मारो। सुनिए मेरी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। सम्मान से जीना चाहती है इसीलिए इतनी मेहनत से काम कर रही है ये लड़कियां। और क्या हम में से किसी ने आपसे पूछा यहाँ पर आने से पहले आप क्या थे, क्या करते थे, आपके सही गलत का हिसाब मांगा किसी ने? नहीं ना, तो फिर इन लड़कियों का बीता हुआ कल क्यों नहीं भूल सकते हम? इसीलिए ये तो तय है कि आप लोग चाहे कितने प्रश्न उठाए ये दुकान यही रहेगी। आप नहीं हटाएंगे तो हम हटा देंगे। जगह तो कभी नहीं देखी मैंने। ये जो तुम पढ़ाई कर रही हो, एक स्कूल और उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो पढ़ने वाली, लेकिन बटुक के साथ ऐसा नहीं है। पटुक 30 बच्चों के बीच में दौड़ रहा है। तो यही वो जगह है जहाँ पे 30 बच्चे पढ़ते हैं। वंदिता, तुम्हें पढ़ लिख कर ऐसा कुछ बनना है कि तुम प्रेरणा बन सको सबके लिए और बता सको सबको कि शिक्षा जीवन बदल सकती है, काया पलट कर सकती है आपके जीवन की। से अनार बोल देता। नहीं नहीं, ये सही नहीं है पति बाबू। क्यों सही नहीं है? यही तो लिखा है ना ब्लैक बोर्ड पे, और किताब में भी यही है, देख लो। गलत लिखा है। ऐसे सिर्फ अनार ही होता है क्या? अच्छा, ये तो बात सही कही तुमने। तो ऐसे और क्या क्या होता है? ऐसे तिलिस्तरा बाबू होता है। हाँ बहुत देता, पर ऐसे उल्टे ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे। चलो ऐसे लिखो। मामा पड़े जा, मामा दिलो जो दिखला जो अरे बुशे खाई, आई
बोनिता, तू भी चल के देख ले। Silence. So, my dear students, today is our annual day, correct? तो आज इस अवसर पर हमने on the spot extempore competition रखा है, यानी कि वाग्मिता प्रतियोगिता। ये देखो, ये जार आप देख रहे हैं, उसमें हमने कुछ पर्चियां रखी हैं। उन पर्चियों के अंदर हर एक पर्ची में एक एक विषय रखा है, सब्जेक्ट। जो भी स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले रहा है वो यहां आएगा और उनमें जो भी सब्जेक्ट लिखा है उसके ऊपर आप बोलेंगे। एम आई क्लियर? यस से यस, जोर से। गुड गुड गुड। बोलने की भी प्रतियोगिता होती है? अगर हमारे गांव में भी होती तो मैं ही जीतती। आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। उन्होंने सिर्फ अपने अपने कंट्री में ही प्यार नहीं पाया, ब्रिटिश सरकार भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो यहाँ आएंगे और हमें बताएंगे कि हम अपने देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं, हम कैसे हमारे और अंग्रेज सरकार के रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे हमारे खुद के व्यक्तित्व में सुधार ला सकते हैं और कैसे हमारे देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उनके स्वागत के लिए आज मैं उनके सबसे फेवरेट भजन की दो लाइनें गुनगुनाऊंगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.